नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय जोहार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार इस प्रयास में है कि हमारा समाज ब्राह्मणवाद के चुंगल से बाहर आ जाए, क्योंकि आज जो हमारी दशा, दिशा या हमारी अवनति का कारण है, वह उसका कारण सिर्फ ब्राह्मणवाद है। और ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद है स्वयं को श्रेष्ठ समझना और सभी को छोटा समझना, नीच समझना, भेदभाव करना, जातिगत ऊंच नीच करना, उन्हें अंधविश्वास और पाखंडों में ढकेल देना, यही ब्राह्मणवाद है। बोलने को ये मात्र एक बड़ा छोटा सा शब्द है ब्राह्मणवाद, लेकिन आज भारत की लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। कैसे प्रभावित हैं? भले ही वह इस धर्म का ना हो, यानी ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म का ना हो, लेकिन वह इस ब्राह्मणवाद का शिकार है। आज ओबीसी एससी को आगे बढ़ने ना देना, उन्हें उनके आरक्षण पर बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाना और उन्हें दूसरे धर्मों के प्रति घृणा पैदा करना कि वह मुस्लिम है, वह दूसरे देश का है, वह पाकिस्तानी है, ऐसे शब्दों के साथ ओबीसी एससी के दिमाग में ऐसा कचरा भर दिया है कि वह अपने असली दुश्मन को नहीं पहचान रहा, लेकिन असली दुश्मन ओबीसी एससी का है कौन, यह समझने की जरूरत है। क्या ओबीसी एससी को जातिगत ऊंचा नीचा मुस्लिम ने बनाया, या ओबीसी एससी के आरक्षण के लिए मुस्लिम ने आपत्ति जाहिर की, या जो सामाजिक जो भेदभाव है ऊंच नीच का, क्या यह मुस्लिम ने किया? क्या आज घोड़ी पे बैठने से दिक्कत मुस्लिम को है? क्या आज मंदिर में प्रवेश को लेकर जो दिक्कतें आती हैं, क्या यह दिक्कत मुस्लिम को है? क्या ओबीसी एससी का व्यक्ति राम मंदिर ट्रस्ट में मुख्य पुजारी नहीं हो सकता, यह दिक्कत क्या मुस्लिम को है? तो इन सब चीजों से आपको समझना चाहिए कि आप तुलसी के शूद्र बने रहना चाहते हैं या आप अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं। अगर आप अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आप तुलसी के शूद्र कैसे हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं कि आप तुलसी के शूद्र कैसे हैं, तब तक आप उस मकड़ जाल से निकल नहीं पाएंगे। तुलसी के शूद्र कौन है? तुलसी के शूद्र जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम यह नहीं समझ पाएंगे कि हमारे साथ अत्याचार कहां हुआ है, हमारा शोषण कहां हुआ है। तुलसीदास चीख चीख के चिल्लाता है कि शूद्र कौन, लेकिन हमारा ओबीसी एससी समाज अपने ही नीचता का बखान ढोल बजा के करता है। क्या ऐसा विश्व में कहीं होता हो कि अगर हम किसी को कहें कि तुम नीच हो
और वो नीच आदमी ढोल बजा के गाए कि वाह मैं तो नीच हूं, मैं ये गान करूंगा, मैं इसे गाऊंगा। ऐसा क्या आपने किसी देश में देखा है? तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि तुलसी की विकृत मानसिकता आपके लिए कितने हद तक गई है। यह आपको उस ग्रंथ से जिसे हम रामचरितमानस बोलते हैं, वह रामचरितमानस नहीं है, वह पूरा का पूरा शूद्र शोषण मानस है। शूद्र शोषण मानस है क्योंकि उसमें जो भी जातियां हैं शूद्र यानी जिसे हम आज बोलेंगे कामगार या हम उसे बोल सकते हैं अर्जक, इन अर्जक कमाने खाने वाली जातियों को नीच बनाने का, उनका वर्ण जो है अधम है, वर्णाधम है, बनाने का काम तुलसी ने क्यों किया? जब आप जानेंगे समझेंगे, ये ढोल बजा के गाते हुए आप सर्राटे में चले जाते हैं, इनके अर्थों से आपको जरा सा भी मतलब नहीं होता। तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि मैं उन श्लोकों को ढूंढ के लाया हूं आपके लिए जिसमें आपको नीच व अधम कहा गया है। तो आइए पहले श्लोक पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि पहले श्लोक में जो लिखा है ये तुलसी ने, यह आपको कैसा लगता है? आप अपने आप को इस श्लोक को, इस दोहे को पढ़ने के बाद आप अपने आप को क्या महसूस करते हैं? क्या वास्तव में आप तुलसी के इस ग्रंथ को, तुलसी के मानस को आप सही समझते हैं या नहीं? तो जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सोपच किरात कोल कलवारा पनारे मुई गृह संपत्ति नासी मूड़ मुड़ाए हुई हैं सन्यासी। तेली कुम्हार चंडाल भील कोल कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। अब यहां पर वर्णाधम, जैसे आज कहा जाता है कि हमारे मोदी जी इसी वर्णाधम जाति से आते हैं, लेकिन यह केवल आरएसएस का फेंका हुआ ब्रह्मफांस है, क्योंकि इस जाति से संबंधित मोदी जी का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन यहां पर तुलसी ने कितनी अपनी विकृत मानसिकता दिखाई है। यहां बोला है वर्णाधम, वर्ण से अधम यानी नीच कौन कौन है? तेली कुम्हार चंडाल भील कोल कलवार आदि, ये सब वर्ण से नीचे हैं। और ये नीचे क्यों हैं? क्या यह मानव नहीं है? आइए अब आगे चलते हैं। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना बैठ बरासन कहां है पुराना सबनर कल्पित करहि अचारा जाय न बरन अनीत अपारा। अब यहां पर भावार्थ है शूद्र नाना प्रताप प्रकार के जप तप व्रत करते हैं और ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं, सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी ये जो शूद्र हैं जो मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हैं और जप तप करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, यह और जो गद्दी पे बैठ के, जैसे ये जो शंकराचार्य बैठ बने हुए बैठे हुए हैं, इस तरह अगर ये शूद्र गद्दी पर बैठ के वेदों और पुराणों के बारे में कहते हैं तो इसकी अनीति, मतलब ये इसकी अनीति किसी से कही नहीं जा सकती, ये मनमाना कर रहे हैं अपना, यानी उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। इसे किस करने का अधिकार किसको है? केवल ब्राह्मण को। ये शूद्र समाज यानी ये क्षत्रिय को भी करने का अधिकार नहीं है, या जिसको नव क्षत्रिय बनने का चस्का चढ़ा है उसको भी ये करने का अधिकार नहीं है। तो उन्हें तकलीफ होती है,
तकलीफ क्यों हो क्यों ना होगी, क्योंकि इससे उन्हें दान चंदा मिलता है। तो दान चंदे पे प्रभाव ना आए इसलिए वह उन्हें तकलीफ होती है कि ऐसा काम शूद्र ना करे। तो आइए आगे चलते हैं, आपको समझ में आएगा कि आपके ढोल कीर्तन में रामचरितमानस में आपके ऊपर का अत्याचार कैसे छिपता है, वही मैं यहां दिखाने का काम कर रहा हूं। आइए अब क्या कह रहे हैं, ते विप्रण सन आप पुजावई उभय लोक निज हाथ नसावई विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ ब्रसली स्वामी। यानी वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग को नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जात की व्यभिचारी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। अब आप यहां पर समझ सकते हैं, जो लोग अपने आप को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और वो अपने दोनों लोगों को नष्ट कर देते हैं। दोनों लोग कौन से, ये जो धरती वाला लोक है और मरने के बाद वाला भी, दोनों में डरा रहे हैं कि यहां भी अपना नष्ट कर ले रहे हो वहां भी अपना नष्ट कर ले रहे हो। केवल यहां पर केवल ब्राह्मण को पूजने का अधिकार है, स्वयं को पूजवाने का अधिकार नहीं है। आप ना शंकराचार्य बन सकते हो, आप ना पुरोहित बन सकते हो, आप ना पंडा बन सकते हो, आपको यह अधिकार नहीं है, क्योंकि यह तुलसी कह रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा। ब्राह्मण अपढ़ लोभ कामी आचारहीन, मतलब काम वासना से भरपूर, अपढ़ मतलब अनपढ़ गंवार, लोभी लालची, ये तो सोन का प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है, और आचारहीन, आचार मतलब आचरण उसका हीन हो, और मूर्ख और नीची जात की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं ब्राह्मण। अब आप समझ सकते हैं ब्राह्मण किसके किसके स्वामी होते हैं, अब आप समझ सकते हैं यहां पे उनकी विचारधारा को आप समझ सकते हैं, या क्या आप इनमें शामिल हो सकते हैं, अनपढ़ गंवार मूर्ख अगर आप बनेंगे तो आपके स्वामी होंगे, तो आप बुद्धिमान होते हुए क्यों उनके जाल में फंसे हुए हैं। आप बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो इन बातों को, तुलसी की बातों को आप समझिए, आप जबरन उन्हें अपना स्वामी क्यों बनाए बैठे हैं। आइए अगला है, स्वपच सबर खस जमन जड़ पामर कोल किरात राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। भावार्थ है, मूर्ख और पामर चंडाल शबर खस यवन कोल और किरात भी राम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। आपने देखा होगा ओबीसी एससी समाज 9 दिन के व्रत रखता है, राम का मंदिर बनवा डाला, ये ओबीसी की ही देन है, उनकी देन नहीं है, उनकी क्षमता नहीं थी वो मंदिर बनवा लेता, लेकिन उस मंदिर बनवाने की ख्याति, उस राम के नाम से जो ख्याति, क्या किसी आपने ओबीसी को अर्जित करते हुए देखा है? नहीं, और ना देखेंगे भी, क्योंकि केवल आप साधन मात्र हैं। इस बात को अपने दिमाग में समझिए और इन बातों को जो तुलसी ने लिखी है उसे समझने का प्रयास करिए। आइए आगे चलते हैं, सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज्य अस गांव ही संता पूजह विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। अब यहां पर साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। कौन संत कहते हैं ये नहीं पता, कौन से संत ऐसा कहते हैं, यह केवल गैस मार के आपको बेवकूफ बनाने का काम किया है, इन संतों के नाम नहीं है। अब वो कौन से संत हैं, कुछ नहीं, केवल संत कहते हैं और आप इन बातों में आ जाते हैं। ये संत इस तरह कभी नहीं कोई संत कहेगा, क्योंकि संत तो मानव जीवन के कल्याण के लिए संत बनता है, वसुदेव कुटुंबकम के लिए संत बनता है,
और जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही नहीं रहेगी तो वो संत कैसा? अगर वो अपने मोक्ष के लिए संत बन गया है तो वो संत कैसा? तो अपनी मोक्ष, वो तो स्वार्थी आदमी है, अपने लिए बना है। यही आपको समझना है, यही यही आपको मुक्त कराएगा ब्राह्मणवाद के जाल से। तो आइए आगे चलते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान से निपुण शूद्र पूजनीय नहीं है। क्यों शूद्र पूजनीय क्यों नहीं? क्या शूद्र के पास ज्ञान नहीं हो सकता? शूद्र क्या बुद्धिमान नहीं हो सकता? यहां पर शूद्र को बुद्धिहीन बताने का भिगो भिगो कर जूता शूद्रों को मारा है, लेकिन ये शूद्र हैं कि उस जूते को अब तो ढोल बजा के एंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं। आखिर इन्हें समझाएगा कौन? इसीलिए तो ये आपको बुद्धिहीन कहते हैं कि ये गाली भी दे रहे हैं, जूता भी मार रहे हैं, और आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये जितने भी मैं दोहे पढ़ रहा हूं ये मेरे बनाए हुए नहीं है, ये तुलसी ने लिखा है। अब आगे चलते हैं। आगे है, कहि निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीति देख मन भावा, रघुपत चरण कमल सिरुनाई, गयहु गगन आपन गति पाई। यानी श्री राम ने अपना धर्म, अब यहां पर देखिएगा, यहां धर्म की भी बात आ रही है। क्या धर्म बताया वहां पे? भागवत धर्म। और यहां पे कौन सा धर्म चलता है? अगर छेड़ दो आप हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म को बता दो कि ये विदेशियों का दिया हुआ नाम है, झट से कहेंगे हटो, जैसे तुरंत भूल गए, पल गिरगिट की तरह रंग बदला, डुम, क्या लाए? सनातन धर्म है हम। और यहां पर तुलसी क्या कह रहा है? श्री राम ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम दिखाकर वह उसके मन को भाया, तदंतर श्री रघुनाथ के चरणों में सिर नवाकर वह अपने गति पाकर आकाश में चला गया। अब आप यहां पे धर्म की भी बात आ गई कि आप चिल्लाते हैं, कहते हैं नहीं हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं, हम ये हैं वो हैं। तुलसी ने साफ साफ कह दिया कि आप ना सनातन हैं ना हिंदू हैं, आप भागवत धर्म के हैं। अब कितने धर्म बदले जाएंगे, कितने बाप बदले जाएंगे, यह तय नहीं है, क्योंकि सनातन का मतलब पुराना होता है और पुराने का कोई नाम नहीं होता। जैसे बोल दिया हमने प्राचीन काल तो वो प्राचीन काल हो गया। तो पाई न के गति पतित पावन राम, भज सुनि सठ मना, गणिका अजामिल ब्याघ गीध गजाधि खल तारे घना, अभीर जमन किरात खस स्वपचर आदि अघरूप जे, कही ना नाम बारक ते पि पावन हो ही राम नमामि ते। अब यहां पे क्या कह रहे हैं? अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भज कर किसने परम गति नहीं पाई? गणिका अजामिल ब्याग गीद गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अब इसमें ज्यादातर जानवरों के ही नाम है। आगे अभीर यमन किरात खस स्वपच यानी चंडाल आदि को अत्यंत पाप रूप ही हैं, वो भी केवल एक बार जिनका नाम लेने से पवित्र हो जाते हैं, उस राम को मैं नमस्कार करता हूं। तुलसी से बड़ा झूठा, तुलसी से बड़ा बकवादी आदमी नहीं था वो। कैसे ये स्पष्ट हो रहा है? अभी मैं बता रहा हूं, अभी मैंने आपको इसी में पढ़ के सुनाया कि वह कह रहा है कि जो चंडाल की रात कोल खस हैं यह पवित्र हो गए। जब पवित्र हो गए तो आज ये सब मंदिर में प्रवेश करने के लिए, घोड़ी पे चढ़ने के लिए हर जगह से दिक्कतें कहां आ रही हैं? सबसे बड़ा झूठा बकवादी तुलसी है। राम का नाम लेने पर कोई पवित्र नहीं होता। अगर पवित्र हो रहा होता तो आज 100 बार मैं राम राम कहता और ब्राह्मण दौड़े चले आते मेरे पैर छूने के लिए कि वाह यह व्यक्ति तो राम राम कह रहा है, इसके तो चरण छूने चाहिए। लेकिन
चरण कौन छुएगा? चरण छुएगा सुदामा के, भगवान छुएंगे। यहां राम कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुलसी कहता है राम कहो पवित्र हो जाओगे, लेकिन ये कोई भी ब्राह्मण उसकी बात नहीं मानते। तो ये और बताते हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ भी पवित्र है, ये हमारी भावना से जुड़ा है। अब भावना का आहत हो जाती है इसको जला देने से, इसके कुछ शब्दों को बाहर ले आने से इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन आज तक कोई एक व्यक्ति राम राम कहने से पवित्र हुआ हो, ब्राह्मणों ने अपनी बहन बेटियां उस व्यक्ति के साथ ब्याह दी हो जो शूद्र है, और शूद्रों में जो सचूत अछूत किसी में से भी सहर्ष खुशी खुशी, ये लव मैरिज की बात नहीं करता मैं, ये बात करता हूं उस स्वच्छता की, उस पवित्रता की, जिसमें ब्राह्मण खुद देखने गया हो और किसी ओबीसी एससी के यहां उसने ढोल मंजीरे के साथ शादी ब्याह कर दिया हो, तो मैं समझूंगा कि राम नाम लेने से पवित्र हो जाता है। अन्यथा राम नाम लेने से पवित्र नहीं, नीच हो जाता है। यही मैं बार बार कहूंगा, और आप सभी से यह आग्रह है कि आप तुलसी के शूद्र ना बने, एक विशुद्ध भारतीय बने, जिससे हमारे देश की उन्नति और तरक्की हो सके, हम आपस में मानवता और भाईचारा कायम कर सके। तो आप सभी से, मित्रों से गुजारिश है, साथियों से, कि आप सभी वीडियो को लाइक करें, और जो नए साथी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, वो सब्सक्राइब करें अगर उन्हें अच्छा लगा हो, और जिन्हें अपने विचार प्रेषित करने हो वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और इसी के साथ आप सभी से हम विदा चाहेंगे। नमस्कार।